हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इलिस्ट्रेशन नंबर फाइव विच इज पेज नंबर ऑन टू डबल सेवन इन मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक ओके सो क्वेश्चन नंबर फाइव जो सॉल्व एग्जांपल है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया है किस टाइप का क्वेश्चन है क्या क्या फाइंड आउट करता है इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे ओके सो क्वेश्चन इज इफ एक्स इज ए रेंडम वेरिएबल एक्स जो कैपिटल एक्स हमारा क्या है वो रैंडम वेरिएबल है हैविंग प्रोब प्रॉबेबिलिटी मास फंक्शन सो क्वेश्चन इज इफ एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबिलिटी मास फंक्शन ओके एक्स हमारा क्या है रैंडम वेरिएबल है एंड उसके पास क्या है मार्क्स प्रॉबोबलिटी मास फंक्शन है ओके सो इफ ये क्या दिया है क्वेश्चन में ही दिया है पी ऑफ एक्स इजल टू एक्स जो हमारा प्रॉ प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाते थे ये लिखते थे फाइंड आउट करते थे राइट ना इसमें से पहले से दिया है ओके फंक्शन के जैसा दिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स डिवाइड बाय एट लिखा है के एक्स डिवाइड बाई सिक्सटीन लिखा है राइट ना सो so ये फंक्शन के जैसे दिया है ओके तो इसको हम लोग यूज़ करके पहले हम लोग इसको बनाएंगे उसके बाद फिर देखते आगे क्या करेंगे ओके सो so क्या दिया वो पहले देख लेते हैं पी ऑफ एक्स इजल टू एक्स क्या दिया है एक्स डिवाइड बाई एट ओके इफ़ एक्स इज्वल टू जीरो एंड वन अगर एक्स की वैल्यू जीरो एंड वन रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी एक्स डिवाइड बाय एट रहेगा इफ एक्स एक्स इजल टू टू रहेगा तो इसका वैल्यू क्या रहेगा के डिवाइड बाय फोर रहेगा इफ एक्स इज्वल टू थ्री है ओके okay? सो so, इसका वैल्यू क्या रहेगा के एक्स डिवाइड बाय सिक्सटीन रहेगा ओके सो डिपेंड करता है कि एक्स टू क्या है ओके सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हम लोग को के फाइंड आउट करना है एंड ई ऑफ एक्स मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करना है ओके okay? सो so, हम लोग के फाइंड आउट करना है बट हम लोग गिवन देखते हैं कि इसमें क्या दिया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है तो so, हम लोग लिखेंगे सिंस ओके सिंस पी ऑफ एक्स इज गल टू एक्स इज पी एम एफ राइट ना क्वेश्चन में दिखा कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, probability, mass function है. देयर फोर हम लोग को पता है कि अगर पी एम एफ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं सबमिशन करते हैं इसी का ही पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन रहता है एंड एक्स जो रहता है बिलोंग्स टू एस रहता है राइट ना एस मीन्स सैम्पल स्पेस रहता है राइट right? सो so, हम लोग को ये कंडीशन यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो एक्स दिया है स्मॉल एक्स की वैल्यू दिया है अप टू थ्री तक दिया है मीन्स जीरो से लेके कर थ्री तक दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स इजल टू जीरो ओके एक्स इजगल टू जीरो टू थ्री ऐसा करके लिखेंगे राइट right ना, हमने फार्मूला में एक्स एस पढ़ा था यहाँ पे, बट हम लोग यहाँ पे, ओके okay, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ सबमिशन ऑफ पी ऑफ एक्स इजग्वल टू एक्स इजगल टू वन रहेगा एक्स की वैल्यू क्या है एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड थ्री तक एंड एंड हो रहा है राइट right ना बट डेफिनेशन में हमने यहाँ पे एस पढ़ा था इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा ओके सो so, आपको ये यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे एक्स इजल टू तो लास्ट कितना दिया है थ्री तक दिया है ओके तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके पुट करेंगे पहले जीरो पुट करेंगे फिर वन फिर टू फिर थ्री करके पुट करते हैं ओके सो so, पुट करने के बाद क्या मिलता है ओके पहला जीरो पुट करते हैं पी ऑफ एक्स इजल टू तो जीरो प्लस लगाते हैं क्योंकि सब रहता है राइट ना फिर वन पुट करेंगे पी ऑफ एक्स इजल टू वन प्लस पी ऑफ एक्स इजग्वल टू टू प्लस पी ऑफ एक्स इजगल टू थ्री इजगल टू वन ओके जीरो पुट के प्लस के वन पुट के प्लस के टू पुट के प्लस के थ्री पुट के एंड इजल टू जीरो लिख दिए राइट ना सो हम लोग क्या करेंगे पी ऑफ एक्स इजल टू जीरो इफ़ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी जीरो रहेगी तो इसका आंसर क्या है एक्स डिवाइड बाई एट है राइट right ना अगर यहाँ पे हम लोग जीरो पुट करते हैं तो जीरो के लिए एक्सजुअल टू जीरो के लिए ओके यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा जीरो डिवाइड बाई एट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो ये क्या आया इसकी वैल्यू क्या आई जीरो आई तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं जीरो प्लस पी ऑफ एक्सजुअल टू वन ओके एक्स के जगह पर क्या पुट करना है अभी वन पुट करना है राइट ना एक्स के जगह पर क्या पुट करना है वन पुट करना है सो फॉर एक्सुअल टू वन यही आएगा फर्स्ट वाला ही आएगा राइट ना एक्स की वैल्यू क्या है वन है तो यहाँ पे अगर पी ऑफ एक्सीजुल टू वन पुट करते तो यहाँ पे वन डिवाइड बाई एट हो जाएगा ओके okay? क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस कर रहे पी ऑफ एक्सीजल टू हम लोग को वन चाहिए राइट ना तो एक्स के जगह पे अगर वन पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वन डिवाइड बाय एट आ जाएगा तो ये वन डिवाइड बाई एट हो जाएगा सो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे वन डिवाइड बाय एट लिख देंगे प्लस पी ऑफ एक्सीजल टू टू अभी एक्स के जगह पे क्या पुट करना है टू पुट करना राइट right ना यहाँ पे क्या पुट करना है टू पुट करना है तो फोर एक्स इज टू टू वे, इसका वैल्यू क्या है के डिवाइड बाय फोर है राइट right ना यहाँ पे एक्स नहीं अगर एक्स रहता तो एक्स की वैल्यू टू पुट कर देते बट एक्स नहीं है तो हम लोग के डिवाइड बाई फोर जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं के डिवाइड बाय फोर प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू थ्री एक्स इजल टू थ्री के लिए यहाँ पे एक्स इजल टू थ्री है ना इसके लिए क्या दिया है K multiply by X by 16. तो X के मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाई सिक्सटीन तो एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे थ्री से तो थ्री मल्टीप्लाई बाय के डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा सो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थ्री के डिवाइड बाय सिक्सटीन हो जाएगा जो भी हमारा एक्स रहता है हम लोग एक्स यहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे एक्स की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे तो यहाँ पे थ्री था तो थ्री पुट कर दिए पहले जीरो के लिए तो जीरो डिवाइड बाई एट किए तो जीरो आ गया फिर वन पुट किए तो वन डिवाइड बाई एट आया तो वन एट आ गया राइट ना फॉर एक्स एजुअल टू वन के लिए सो तो हमने पुट कर दिया ये मिल गया हम लोग को एजुअल टू क्या है वन है अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग को कै की वैल्यू मिल जाएगी ओके सो सॉल्व कैसे करेंगे देखो ये सिंपल है ये वन डिवाइड बाई एट हम लोग वो साइड लेके जाते हैं ओके okay? सो so, like, ये जीरो मीन्स नथिंग देर फोर की साइन लगा देंगे सो so, हम लोग को क्या मिलेगा के डिवाइड बाय फोर प्लस थ्री के डिवाइड बाय सिक्सटीन इजगुल टू वन माइनस ये जो प्लस है ये नंबर ये साइड आ गया तो क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाई एट हो जाएगा राइट ना अभी देखेंगे कि यहाँ पे सिक्सटीन है यहाँ पे भी फोर है तो अगर मैं यहाँ पे से, दोनों डिनोमिनेटर हम लोग को या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट ना या तो डिनोमिनेटर सेम करके हम लोग कर सकते हैं बट यहाँ पर सिक्सटीन है तो मुझे यहाँ पर भी सिक्सटीन चाहिए इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ से फोर से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे फोर फोर जाए सिक्सटीन हो जाएगा राइट ना सो अगर मैं नीचे फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे फोर से ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई करना पड़ेगा ओके सो फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा फोर के डिवाइड बाय सिक्सटीन प्लस थ्री के डिवाइड बाय सिक्सटीन इज टू वन माइनस वन डिवाइड एट तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते वन माइनस वन डिवाइड एट कितना आएगा ओके सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते या तो वही सेम हम लोग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे एट चाहिए तो दोनों में एट एट आ जाएगा राइट ना सो so, हम लोग को प्लस रहता है तो हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं या तो माइनस रहता है तो भी सेम करते हैं या तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर सकते हैं डिनोमिनेटर मींस अपर नंबर एंड डिनोमिनेटर जो नीचे का नंबर रहता है उसको बोलते हैं ओके सो यहाँ पर अगर मैं एट से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एट से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so, या भी देखते क्या क्या मिला एट जा, एट नीचे भी एट माइनस वन डिवाइड बाय एट अभी हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं एट एट वंजा एट यहाँ पे क्या बच गया वन बच गया राइट ना सो अभी किसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे नीचे का जो डिनोमीटर सेम रहता है उसको हम लोग वन टाइम लिखते हैं एंड अपर नंबर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं फोर के प्लस थ्री के कितना हो जाएगा सेवन के हो जाएगा इज इक्वल टू एंड ये भी सेम लिखते हैं हम लोग नीचे का नंबर सेम लिख देते हैं ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो एट माइनस वन कितना हो जाएगा सेवन यहाँ पे प्लस था इसलिए ऐड किए यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग माइनस किए नाउ अभी सिक्सटीन और साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ये साइड क्या है डिवाइड में है तो सेवन डिवाइड बाय एट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा राइट right ना सो एट टू जा कितना होता है सिक्सटीन होता है देरफोर सेवन के इजक्ल टू सेवन मल्टीप्लाई बाय टू मिला राइट right? अभी जो ये सेवन डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में है वो साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो के इजगल टू सेवन मल्टीप्लाई बाय टू डिड बाय सेवन ये जो सेवन था ये आके नीचे क्या हो गया डिवाइड में हो गया अभी ये क्या कर सकते हैं हम लोग सेवन सेवन गेट कैंसिल राइट ना तो इज टू टू वन जो मिला सो वी गॉट के इजगल टू देर फोर के इजगल टू टू मिल गया राइट ना सो बहुत ही सिंपल था k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे आपको ऐसे ही करना रहेगा सेम मेथड सेम फॉलो आपको सिर्फ प्लस माइनस ही करना है कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है सिर्फ आपको ये लिखना है इसका जो फार्मूला है वो आपको लिखना है ओके यहाँ पे आप डॉट 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 करके फार्मूला करके लिख सकते हो ओके एग्जाम में एंड बाकी जैसा हमने पैटर्न किया आप एक बार देख लो रिवाइज कर लो एंड बहुत ही सिंपल है सॉल्व हो जाएगा आपको कैलकुलेशन ही पार्ट है ज़्यादा कुछ नहीं है हार्ड राइट ना सो so, इसके बाद हम लोग हम लोगों को के मिल गया राइट के मिलने के बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना ई ऑ ऑफ एक्स फाइंड आउट करता अभी लास्ट सब में जो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया है वहां पे भी हमने ई ऑफ एक्स फाइंड आउट किया है right राइट ना सो so, इसमें भी फाइंड आउट करके देखते क्या मिलता है सो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है सेम हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में भी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इजल टू एक्स ओके एंड यहाँ पे एक्स इजल टू जीरो टू थ्री अभी थ्री तक दिया है ना जीरो से लेके थ्री तक दिया है एक्स की वैल्यू इसलिए हमने यहाँ पे एक्स इजल टू जीरो से थ्री तक लिख दिया इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला करके ब्रैकेट में लिख देते हैं राइट ना सो यहाँ पे क्या रहता है मल्टीप्लाई की साइन रहता है यहाँ पे क्या रहता है मल्टीप्लाई की साइन रहता है ओके okay, आपको रेड पेन यूज नहीं करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन रहता है सो एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इजल टू एक्स ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक फॉर्मूला हमने और इसको सिमिलर फॉर्म में पढ़ा था मतलब सेम ही है दोनों एक्स आई मल्टीप्लाई बाय पी आई राइट ना सो एक्स आई मल्टीप्लाई बाई पी आई आई फ्रॉम वन टू जो भी था या तो बिलोंग्स टू एस कर देते राइट right ना या तो वन टू एन कर देते राइट right? सो so, हमने वन टू एन तक पढ़ा था सो एक्स आई पी आई ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हो एंड ये भी अप्लाई कर सकते हो बट इन दिस क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू दिया है इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया ओके सो हम सेम अभी करेंगे पहला जीरो पुट करेंगे फिर वन पुट करेंगे फिर टू थ्री फोर सॉरी फोर थ्री तक दिया थ्री तक पुट करेंगे सो so, पहला जीरो पुट करते तो जीरो मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इजल टू जीरो पहला जीरो पुट करते जीरो मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इजल टू जीरो ओके स्मॉल एक्स के जगह पे ये जो स्मॉल एक्स की वैल्यू दिया है यहाँ पे लिखा है एंड यहाँ पे लिखा है दोनों जगह लिखा है राइट ना ये दोनों के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे पहले ज़ीरो पुट करेंगे उसके बाद फिर वन पुट करते हैं ओके वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इजल टू वन ओके इसके और इसके जगह पे पहले जीरो पुट किए फिर प्लस किए फिर वन पुट कर रहे हैं अब इसके बाद क्या पुट करेंगे टू पुट करेंगे ओके पी ऑफ एक्स इजल टू टू फिर प्लस थ्री पुट कर रहे हैं पी ऑफ एक्स इजल टू थ्री हमारे पास थ्री तक नंबर दिया तो हमने थ्री तक पुट कर दिया ओके सो इसके बाद हम लोग को अभी ये नंबर ये टर्म तो जीरो है जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा राइट ना इसको हम लोग नहीं लिखेंगे ओके जीरो करके लिख सकते थे बट नहीं लिखेंगे डायरेक्ट डारे, लिखेंगे ओके अब पी ऑफ एक्स इजगुल टू वन है पी वन मल्टीप्लाई वन तो वो लिख देते ओके वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इजगुल टू वन पी ऑफ एक्स इजगुल टू वन पहला वाला क्या था वन डिवाइड बाय एट था राइट ना बट इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ओके okay, पहले लिख देते वन डिवाइड बाई एट ओके प्लस टू मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्सटीजल टू टू अब पी ऑफ एक्चिज टू टू क्या है देखते हैं एक्सजुल टू टू क्या है के डिवाइड बाई फोर है राइट right ना सो so, के की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया है तो हम लोग वहाँ पे के डिवाइड बाई फोर तो लिख नहीं सकते इसके लिए जो ये फंक्शन है ये आला इसको हमने हमको सेम कॉपी करना पड़ेगा वैल्यू कै के K का वैल्यू पुट करके हमको फंक्शन नया बनाना पड़ेगा ओके okay, सो so बना लेते पहला, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं सो so, हमने यहाँ पे बना लिया सो so, ये जो आपको लिखना है ये जो फंक्शन मैंने लिखा है बनाया है ये सेम आपको ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के पहले लिखना पड़ेगा जैसे आपने के फाइंड आउट किया देयर फोर के एज गुल टू टू के एच गुल टू टू फाइंड आउट किया तो उसके बाद आपको ये लिखना है इसके बाद फिर आपको ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है ओके सो so, मैं ई ऑफ एक्स क्यों पहले फाइंड आउट कर रहा था बिकॉज हम लोग को आपको समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं राइट right ना हम लोग ये अभी मैं डायरेक्ट अगर आप वहाँ पे एक, आ, पी ऑफ एक्स इजल टू टू यहाँ पे टू के वैल्यू टू डिवाइड बाई फोर डायरेक्ट पुट कर देते तो आपको नहीं समझता राइट ना इसलिए आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है ओके सो एक्स इजगुल टू टू चाहिए था हम लोग को यहाँ पे टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा टू डिवाइड बाई फोर टू 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 फोर इट मीन्स वन डिवाइड बाय टू एक्स इजल टू टू रहेगा तो वन डिवाइड बाय टू रहेगा ओके एंड एक्स इजल टू थ्री रहेगा तो टू एक्स डिवाइड बाय तो टू यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू थ्री कर देंगे राइट right ना सो so क्या हो जाएगा सिक्स डिवाइड जाएगा। सो so यहाँ पे P of X to 2, क्या मिला हम लोग को वन डिवाइड बाई टू मिला प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स एज टू थ्री के लिए क्या था हमारा टू एक्स डिवाइड बाई सिक्सटीन था यहाँ पे थ्री पुट करेंगे एक्स की जगह पर राइट right ना थ्री पुट करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स ओके सिक्स डिवाइड बाय सिक्सटीन या तो हम लोग और भी स्मॉल कर सकते हैं टू एट जा सिक्सटीन होता है तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट थ्री डिवाइड बाय एट लिख देते हैं ओके सो so थ्री डिवाइड बाय एट लिख देते हैं यहाँ पे इसको चेंजेस करके ओके या तो टू टू से कैंसिल कर देते थ्री और ये क्या हो गया एट हो गया ऐसा भी कर सकते हैं इज गोल टू ओके ये वन मल्टीप्लाई बाई वन डिवाइड बाई एट इज़ वन डिवाइड बाई एट प्लस टू टू क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ पे क्या मिला वन ओके थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन डिवाइड बाय क्या मिला एट मिला ओके सो so, ये मिलने के बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ये वन है राइट ना तो वन के जगह पे हम लोग एट डिवाइड बाई एट लिख सकते हैं जैसे अभी हमने uh, के फाइंड आउट करने के टाइम लिखा राइट ना सो so, वन डिवाइड बाई एट प्लस एट डिवाइड बाई एट ओके एट वन जा एट ही होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे वन के जगह पे एट डिवाइड बाई एट लिख दिया अभी एट डिवाइड बाई एट एट क्यों लिखी क्योंकि यहाँ पे दोनों जो दो टर्म थे उसका डिनोमिनेटर क्या था एट था इसलिए हमने यहाँ पे वन के जगह पे एटी डिवाइड बाई एट लिखे अभी देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है राइट ना तो उसको हम लोग वन टाइम लिख देते हैं ओके फोर टाइम फाइव टाइम जितना भी रहेगा ना हम लोग एक ही बार लिखेंगे नीचे एंड ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो सो वन प्लस एट नाइन नाइन प्लस नाइन कितना हो गया एटीन हो गया राइट ना अभी इसको हम लोग हाफ करेंगे तो ये क्या मिलेगा नाइन टू 18 होता है ओके okay, इसको हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा फोर सो so, हम लोग को क्या मिला नाइन डिवाइड बाय फोर मीन्स आपको ई ऑफ एक्स कितना मिल गया नाइन डिवाइड बाय फोर मिल गया ये आपका आंसर है ओके तो देअर फोर ई ऑफ एक्स इज टू नाइन डिवाइड बाय फोर ये आपका आंसर आ गया सो so, हम लोग ने ये सब में के फाइंड आउट किया एंड ई ऑफ एक्स फाइंड आउट किए सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हैं बहुत सारे हैं ओके और भी सिमिलर क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग वी ऑफ़ एक्स भी फाइंड आउट करते हैं एंड ई ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में के नहीं दिया रहेगा ओके जैसे इस क्वेश्चन में के था के नहीं दिया रहेगा ऐसा दिया रहेगा और हम लोग को ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग वो सम फाइंड आउट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल